दुनिया भले ही आज चांद पर चला गया हो, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता आज भी वही नीचे ही है। दरभंगा से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक परिवार अपनी लड़की को भगाने के आरोप में पड़ोसी परिवार की महिला के साथ न सिर्फ मारपीट किया, बल्कि उसे अर्धनग्न कर तब तक पीटा जब तक कि उसका मन न भर गया और हाथ पांव बांध कर उनके सर के बाल काट दिए। घटना निंदनीय है, लेकिन उस आदमी के सोच को जरा सा आप देखिए, कितना नीचे है कि एक महिला को अर्धनग्न करके वो जमकर पीटा है। घटना 21 मार्च की है। तब घायल महिला को परिवार वाले ने तत्काल इलाज के लिए दरभंगा के DMCH में भर्ती करवाया था, और अब जब महिला थोड़ी बहुत ठीक हुई है तो घटना की लिखित शिकायत 27 मार्च को 10 लोगों के खिलाफ कमतौल थाने में दी गई है। लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। आरोपियों को पकड़ना तो दूर, उन तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, और अब पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है, इंसाफ मांग रही है कि आखिर उनके साथ जो घटना हुआ है उनका इंसाफ उन्हें कौन देगा। पीड़ित महवी ने बताया कि जगदीश दास की लड़की कैसे अपने घर से भाग गई इसकी जानकारी उसे नहीं थी, लेकिन जगदीश दास जबरन अपनी लड़की के भगाने के मेरा नाम लेकर मुझसे लड़ाई किया, बंधक बनाकर न केवल उसे पीटा बल्कि पूरे परिवार के सदस्यों को भी जमकर पीटा। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो इनके बाल काट लिए। बाद में कमतौल थाने को लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर वो अब बड़े अधिकारी के पास न्याय की भीख मांगने दरभंगा पहुंची है। घटना की पुष्टि खुद दरभंगा सदर के STPO अमित कुमार ने करते हुए बताया कि पूरे मामले में पीड़ित महिला द्वारा शिकायत किया गया है, पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है, और अब महिला के द्वारा बनाए गए आरोपी को पुलिस तलाश रही है, जल्द ही गिरफ्तार भी कर लेगी। मामला यह है कमतौल थाना अंतर्गत, जिन्होंने अपने पड़ोसी जगदीश दास और अन्य 10 लोगों पर आरोप लगाया है कि उनके घर में घुसकर उन्हें मारा पीटा गया है और उनके बाल काट दिए गए हैं। उनके पड़ोसियों को ये संदेह था कि इन्होंने गांधी देवी ने उनके बेटी को गायब होने में सहयोग किया था, बाद में वो मिल गई, उसकी शादी भी हो गई, इसी आरोप में ये किया था और मारपीट की घटना हुई। उसके बाद FIR दर्ज कराया गया है कमतौल थाने में 5623 दिनांक 27/3/2023 को। खोजबीन की जाँच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। क्या बात है, गिरफ्तारी सर अभी तक जांच की जा रही है, गिरफ्तारी होगी। इस घटना के बाद दरभंगा में चर्चा का बाजार गर्म है कि आरोप लगाकर महिला को इस तरह से पीटना कहां तक उचित है, और पीटने के बाद पुलिस अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि ऐसे पीड़ित महिला को तुरंत न्याय मिलना चाहिए, और जो भी लोग आरोपी है उसे तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने पुलिस से मांग किया है कि ऐसे लोग को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में भेजे और पीड़िता को न्याय दिलाए।